इंडिया में रहने वालों की एवरेज एज है 70 ईयर्स, और ये एवरेज है, कौन कब तक रहेगा कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन फिर भी इस वीडियो में हम एवरेज लेकर चलते हैं 70 ईयर्स। तो इंडिया में एक एवरेज इंसान 70 साल जीता है। अब वो एक्चुअल में जीता है या नहीं जीता, वो तो आपको आगे पता चल ही जाएगा। वेल, अब मैं आपके सामने कुछ ऐसे फैक्ट शेयर करूंगा या फिर कुछ ऐसी बातें शेयर करूंगा जिसे सुनने के बाद में आपके होश उड़ जाएंगे, और तब आपको पता चलेगा कि जिंदगी कितनी छोटी है। आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हो, आपकी एज कुछ भी हो सकती है, लेकिन फिर भी हम एक एवरेज मान लेते हैं 20 साल। और अब वो टाइम है जब आप अपना करियर स्टार्ट करोगे। कुछ लोग जॉब करेंगे, कुछ लोग बिजनेस करेंगे, कुछ लोग घर बैठे बैठे काम करेंगे, कुछ भी हो सकता है, पर मैक्सिमम लोग जॉब करेंगे, इतना तो पक्का है, मानो या ना मानो। जब इंसान खुद का कुछ शुरू करता है और जब उसे उसमें सक्सेस नहीं मिलती है, तो मजबूरन उसे जॉब करनी ही पड़ती है पैसों के लिए। और वैसे भी ज़्यादातर लोग एक सिक्योर लाइफ चाहते हैं, और इसलिए भी वो जॉब करते हैं। आज तक अलग अलग कंट्री के लिए अलग अलग सर्वे हुए हैं। कुछ सर्वे ये कहते हैं कि 50% लोग अपनी जॉब से नाखुश है। कई सारे सर्वे ये भी कहते हैं कि 80% से ज़्यादा लोग अपनी जॉब से खुश नहीं होते। लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो ये कहता है कि 70 से 80% लोग अपनी जॉब से खुश नहीं होते, और जॉब करते टाइम लोग वेट करते हैं वीकेंड हॉलीडे का। तो अगर आपकी एज है 20 साल और रिटायरमेंट की एज होती है 60 साल, यानी कि 40 साल तक आपको काम करना है, यानी कि जॉब करना है, तो क्या आप इन 40 सालों तक सिर्फ यही सोचते रहोगे कि रिटायरमेंट के बाद एंजॉय करेंगे, या फिर इन 40 सालों तक सिर्फ आप वीकेंड को एंजॉय करोगे? और वीकेंड को भी लोग कहाँ इतना एंजॉय कर पाते हैं। एक इंसान इतनी प्रॉब्लम से घिरा होता है कि एंजॉयमेंट करना तो दूर की बात, बेचारा और डिप्रेशन से ही बाहर नहीं निकल पाता। और कब वीकेंड निकल जाता है और कब सबसे मनहूस दिन मंडे आ जाता है पता ही नहीं चलता। मंडे को मैं मनहूस इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक से मरने के चांस मंडे को ही होते हैं। मंडे पर लोगों को स्ट्रेस ही इतना रहता है कि हार्ट अटैक के चांस 20% से ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और चलो मान लेते हैं कि आपकी उम्र 60 हुई और 60 के बाद में आप रिटायर हो भी गए, तो ये बात याद रखना कि 60 की एज के बाद में 70% से भी ज़्यादा लोग कोई न कोई बीमारी का शिकार हो ही जाते हैं। और उस वक्त कहाँ इतनी एनर्जी होती है कि हम वो करें जो पूरी लाइफ से हम करना चाहते थे। यानी कि आपकी असली जिंदगी आने वाले 40 सालों में ही है, जिसमें आप 13 साल तो सोएंगे और 7 से 8 साल आप फोन पर बिता दोगे, जिस तरह से आज की डेट में युवा फोन का यूज कर रहा है। उसके बाद में 10 साल के करीब आपको 9 to 5 जॉब पर रहना होगा, और ये हो चुके हैं टोटल 30 साल और बचे अब 10 साल। और ऐसी कितनी एक्टिविटीज है जिनको हमने काउंट ही नहीं किया, जिसमें इंसान का ना जाने कितना टाइम निकल जाता है। खाना पीना, नहाना, मिलना जुलना, टीवी देखना, कितनी एक्टिविटीज है, और कहाँ है लाइफ को जीने का टाइम। स्कूल टाइम में हम सोचते हैं कि स्कूल खत्म हो जाएगा तो स्ट्रेस कम होगा। कॉलेज में आकर हम सोचते हैं कि बस एक बार जॉब लग जाए, बस एक बार सेटल हो जाए तो पूरी लाइफ को एंजॉय करेंगे। जब जॉब लगती है तो पता चलता है कि इतना स्ट्रेस तो स्कूल कॉलेज में नहीं था जितना यहाँ पर है। फिर हम सोचते हैं कि चलो ठीक है, जिंदगी जैसे गुजरनी थी गुजर गई, अब रिटायरमेंट के बाद में जो मन पड़ेगा वो करेंगे। आप इमेजिन करो आप अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहे हैं, तो उस वक्त आप क्या सोच रहे होंगे? आखिरी वक्त पर एक इंसान को उन कामों का पछतावा नहीं होता जो कि उसने किए, बल्कि एक इंसान को सबसे ज़्यादा पछतावा उन कामों का होता है जो कि वो करना चाहता था पूरी जिंदगी से लेकिन नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि जिंदगी भर यही सोचते रहे कि ये हो जाएगा तब मैं ये करूंगा, सब हो गया, जिंदगी भी गुजर गई लेकिन कुछ नहीं कर पाए। मेरे दोस्त, जिंदगी में एंजॉय करने के लिए कोई स्पेशल टाइम नहीं आएगा, बल्कि अभी जो टाइम है वो भी गुजर जाएगा, इवन गुजर रहा है, हर पल को एंजॉय करो। अगर 40 साल काम पर गुजारने हैं तो ऐसा काम चूज करो कि 40 नहीं बल्कि 60 साल तक आप मजे के साथ उस काम को कर सको। लोग क्या सोचेंगे ये भुला करके हर वो काम करो जो कि आप सालों से करना चाहते थे। जब हंसो तो खुल करके हंसो, जब नाचो तो खुल करके नाचो, जब कुछ करने का मन कर तो बिना डर उस काम को करो। भूल जाओ कि तुम्हारी उम्र क्या है, क्योंकि कई सारे लोग 20-25 की उम्र में बूढ़े हो जाते हैं, और कई सारे लोग 70-80 की उम्र में भी जोशीले जवान रहते हैं। अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजारो, घूमने जाओ, नेचर का मजा उठाओ, नफरत को तुम ना कहो और पूरी दुनिया से प्यार करो। ना तो पैदा होना तुम्हारे हाथ में था और ना ही मरना तुम्हारे हाथ में होगा, लेकिन अभी जो चल रहा है जिंदगी में वो सब कुछ तुम्हारे हाथ में। और जिंदगी के हर दिन को ऐसे जियो कि पहले कभी ना जिया हो। जिंदगी को अगर जीना है तो हर पल में जियो, वरना जिंदगी बहुत छोटी है वेट करने के लिए कि ये हो जाएगा तब मैं ये करूँगा, और वो कभी नहीं होगा। शेयर करें इस वीडियो को उन लोगों के साथ में जो अपनी ज़िंदगी से नाराज है, जो सोचते हैं कि ये कर लूँगा तब मैं ये करूँगा, तो भैया तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तो इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।